हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। जिनका भी आज क्लास है उनको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, और पेपर बहुत अच्छे से करके आना, ठीक है? सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब करना, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं टाइम टू टाइम। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू टॉपिक हायर एजुकेशन के ऊपर। आई होप यू ऑल आर लाइव। ओके, सो लेट अस डिस्कस। कौन कौन लाइव है? सो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक है जनरल अवेयरनेस है, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और न्यू टॉपिक हायर एजुकेशन के। सो रिसेंटली जो नीति आयोग है, इन्होंने फोर्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग करी थी जून 15 को, जिसका एजेंडा था मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि हम कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, सो ठीक है, आवाज़ आ रही है सही। सो एजेंडा का मेन फोकस है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू हर एक रूरल हाउस होल्ड तक पहुँचे, यानी कि विलेजेस में पाइप के थ्रू पानी पहुंचे, ठीक है? पानी जैसे हम सबके घरों में आता है वैसे ही हर एक पर्सन के घर में आए 2024 में तक। आई होप दिस इज क्लियर। रूरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे हार्वेस्टिंग करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्रे वेस्ट वाटर को रीयूज करना है। सो मेनली पानी हर घर तक पाइप के द्वारा पहुंचाना है, ये भी वहां पर फोकस किया गया। हाँ, गुड मॉर्निंग। सो एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कि आपकी जो हायर एजुकेशन है उसका प्रॉपर चेंज हो गया है कि किस तरीके का होगा, तो इसलिए आप क्या कर दिया गया कि इंटीग्रेटेड कर दिया है। इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन कभी भी ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सर्टिफिकेट लेवल। अगर आप कहीं कॉलेज में जाते हो और उसमें सिर्फ यहाँ पे आपने 6 महीने पढ़ाई करी और उसके बाद कॉलेज छोड़ दिया, 10th + 12 करके, 12th के बाद अगर आप कॉलेज जाते हो और सिर्फ 6 मंथ्स की पढ़ाई करी और फिर कॉलेज छोड़ दिया, तब भी कोई पर्सन है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर उसने 1 साल तक की पढ़ाई करी तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री, क्योंकि ये वोकेशनल बना दिए सारे के सारे कोर्सेज। अगर वो 3 साल तक पढ़ता है तो वोकेशनल मिल जाएगी, और फिर इसके बाद वोकेशनल करने के बाद 1 ईयर का करेगा तो पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, और 2 ईयर स्टडी करेगा तो जो मास्टर्स होती है मास्टर्स मिल जाएगी, ठीक है? सो ये हम क्या बता रहे हैं, जैसे अभी क्या होता है, अभी जैसे कि ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, उसके बाद एमए होती है, और अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ देता है तो उसको तो कोई डिग्री नहीं मिलती। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि कभी भी एंट्री करो कभी भी बाहर जाओ, यानी कि एंट्री एग्जिट का जो अच्छा तरीका निकाला है ये 2020 से लागू करना शुरू कर देना है प्रॉपर। अच्छा, सो पीजी डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल पढ़ाई कर ली तो, 2 साल कर ली तो, फिर मास्टर्स, और अगर उसके बाद पढ़ना है तो ये मास्टर्स के बाद रिसर्च लेवल की पढ़ाई होगी, वो नॉर्मली है जैसे चलती आ रही है, एमफिल हो गई, पीएचडी हो गई, तो वो नॉर्मल स्टडी ही होगी। आई होप दिस इज क्लियर, और ये अच्छा पोर्शन है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, पीजी डिप्लोमा, एमवोक एंड रिसर्च लेवल। वीडियो को ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे 3 बिंदियाँ बनी होंगी, उस पर क्लिक करके वीडियो की क्लैरिटी बढ़ाओ तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, नहीं तो मैंने बोल दिया है उसको सुन के लिख लो, ठीक है? सो फ्रेंड्स, जो हमारी नेशनल एडुकेशन पॉलिसी है ना 2019 वाली, उसके अंदर भी क्या बोला गया है कि इंडियन नॉलेज को इम्प्रूव यहाँ पर इम्प्रूव करना है, और मेरे जो इंडियन नॉलेज है वो हमारे टेक्स्ट बुक्स वगैरह में आनी चाहिए, क्योंकि इंडियन नॉलेज जैसे कि मैथमेटिक्स में भी पाइथागोरस थ्योरम एंड एवरीथिंग इंडिया से ओरिजिन है, इंडिया से मिला है, जैसे कि एंशियंट टाइम से ही यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बहुत अच्छी टर्म्स दी हैं, सब कुछ दिया है। सो इसलिए हम इंडियन नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में पता होना चाहिए, जबकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में हमसे ज़्यादा पता है। तो और मैंने फ्रेंड्स ये सब वीडियोस अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म पे भी डाला है, मैंने आपको सबसे पहले जो लिंक शेयर किया है,
बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड मैं चेक करूं। ओहो नेटवर्क का इश्यू है। आ रहा है आ रहा है, मैंने अभी क्लैरिटी इंक्रीज करी है, बिल्कुल आ रहा है, मैंने देखा है तीन। अच्छा चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है अगर बीच में ब्लर हुआ था तो इसलिए हमें क्या करना है, जितनी भी स्टडी है स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की और आपके एग्जाम लेवल की, एंट्रेंस एग्जाम एनटीए नेट ने भी डाल दिया इंडियन लॉजिक, तो नॉलेज ऑफ इंडिया को इस तरीके से प्रिजर्व करना है कि सबको पढ़ाए, ठीक है, पता होना चाहिए, हमें अपने खुद के इंडिया के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स कि आपका जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है ओरिएंटल स्टडीज़, सो हमारा जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर हायर एजुकेशन में ओरिएंटल स्टडीज़ ऐड हुआ है, और ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, बिल्कुल भी मत डरो, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओरिएंटल स्टडीज़ के अंदर आपका होता है, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो उसमें दो तरीके से बांटा गया है, नियर ईस्टर्न फार ईस्टर्न सोसाइटीज़। अब इनमें पढ़ना क्या होता है, इनमें कल्चर, उनकी लैंग्वेजेस, पीपल कैसे उस टाइम पे थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनके बारे में जानना, यानी कि हमारी जो हिस्ट्री रह चुकी है, एंशियंट टाइम रह चुका है, उसके कल्चर लैंग्वेज पीपल इन लोगों के बारे में जानना होता है ओरिएंटल स्टडीज, सिंपल सी बात। अब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे बस यही लिखा हुआ, जैसे कि अगर डिसिप्लिन ऑफ यहाँ पे यूरोप है तो यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज बोलते हैं, स्टडी ऑफ चाइना को बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइना। अब हम इंडिया पे आ रहे हैं, सो ओरिएंटल स्टडी अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ये स्टडी हासिल कर सकते हो, और इसको बोला जाता है इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का मतलब है कि कल्चर को समझना, कल्चर को पूरे तरीके से समझना, स्टडी ऑफ कल्चर, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर होता है इंडोलॉजी। हमारे इंडिया में अगर हम ओरिएंटल रिसर्च करेंगे, ओरिएंटल स्टडी करेंगे तो उसको इंडोलॉजी बोलेंगे। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं जो इंडोलॉजी पढ़ाते भी हैं और इसके अंदर रिसर्च भी करते हैं। सो जैसे कि आदियर लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर चेन्नई के अंदर है, ये स्टार्ट हुआ था 1882 में, और इनके पर्सन जो थे वो थे विलियम जोन्स। सो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि आप इसको रट्टा मारो, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, अगर एग्जाम में याद रहा तो अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम। तो ज़्यादातर मैं बताती हूँ कहाँ है, ज़्यादातर चेन्नई में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, मैसूर में है, यानी कि हमारा साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ज़्यादातर रिसर्च सेंटर अवेलेबल है ये वाले, बाकी ऑल ओवर इंडिया तो है ही। अच्छा सो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनमें से पूरा अंदर तक नहीं पढ़ना, जितना मैंने हाईलाइट किया है बस उतना ही करना है अगर करना है तो, ठीक है। ये पुणे में है और 1917 में आया था। गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ एंड कोपुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चेन्नई में, मद्रास संस्कृत कॉलेज चेन्नई में, आप देख रहे हो सब तो चेन्नई में है, चेन्नई में, बेंगलुरु में है, माइथिक सोसाइटी। अब ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा में है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा में है, यहाँ पे शिवाजी राव का प्रॉपर यहाँ पे है कलेक्शन है, मैनुस्क्रिप्ट है, प्रिंटेड टेक्स होते हैं, यानी कि उन्होंने जो पुराने समय में एंशियंट टाइम में वो लोग जो सब लिख चुके हैं, मैनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है उन्होंने जो सब कुछ लिखा हुआ है, टेक्स लिखे हुए हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग होती थी, उनकी लैंग्वेजेस को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ताकि आने वाली पीढ़ी को भी समझ में आता रहे, तो ये सब भी इनका काम होता है। अब ओरिएंटल जो था इंस्टीट्यूट वो अलग था, ओरिएंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी अलग है, ये त्रिवेंद्रमपुरम में है, ठीक है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग है, ये मैसूर में है, और संस्कृत अकाडमी चेन्नई में है। कितने सारे हैं अभी, जितना याद रहता है उतना ठीक है, इसमें ज़्यादा मगब मत करो क्योंकि ये नया सिलेबस है ना, तो इतना डिटेल में पूछे ना पूछे, बस इसके अंदर आपको ये समझना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा भी तो कैसा आएगा, कि ओरिएंटल स्टडीज होता क्या है, एंशियंट टाइम के बारे में, कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में समझना, इस चीज़ को बोलते हैं ये, इससे मुझे लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है और असर्शन वगैरह वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे सरस्वती महल लाइब्रेरी थंजावुर में है, और ये पहले इंडिया में था और अब हो चुका है पाकिस्तान में, ये चीज़ आप चेकआउट कर लेना। विश्वेश्वरन यहाँ पे है इंडोलॉजी स्टडीज़, अब ये लाहौर में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है, ठीक है।
ये अगर आपको ऐसा मैच करने को आ जाए तो ये इंडिया में नहीं है। अच्छा सो हिंदी में भी मैंने दिया है, पर हिंदी वाला पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना बाद में। मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ। अनअकैडमी पे भी दे दिया मैंने, जिसमें मैंने रिवीजन का कोर्स है ना अनअकैडमी में, उस कोर्स को देखो, मैं उस पर बहुत सारे लेसन डाल रही हूँ, आज भी डालूंगी। कल्चर कल्चर, और वो भी एंशियंट वाला कल्चर की बात हो रही है ओरिएंटल में, ठीक है, एंशियंट वाले कल्चर की बात हो रही है। चलो ठीक है, हिंदी में भी काफ़ी पढ़ा है। सो अभी हम आगे चलते हैं, हो गया। अच्छा सो अब हम समझते हैं कन्वेंशनल कोर्सेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, कन्वेंशनल कोर्सेज। कन्वेंशनल कोर्सेज का मतलब है जो पुराने टाइम से हम नॉर्मली, अगर हम ट्वेल्थ पास करते हैं, ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट कहाँ पे जाता है, नॉर्मली बीए करता है, बीकॉम करता है, ठीक है, बीबीए करता है और एमबीए करता है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज ट्रेडिशनल कोर्सेज में आते हैं। मतलब नॉर्मली जो जनता है वो ट्वेल्थ के बाद उसके दिमाग में कौन से वाले कोर्सेज आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमएससी, ये सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे, कन्वेंशनल कोर्सेज हो जाएंगे, जैसे कि बीटेक, इंजीनियरिंग, ये सब। आई होप दिस इज क्लियर। एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन इनमें ये क्या होती है, 10+2 होती है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ट्रेडिशनल कोर्स और कन्वेंशनल कोर्स यही होते हैं। अब ट्रेडिशनल लर्निंग का मतलब है जैसे कि ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, अरेबिक, मैथमेटिक्स, अभी मैंने समझा दिया, यही होते हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लर्निंग, यही होती है जो हम करते आए हैं। इसके अंदर लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड ऑल, ये सब पढ़ाया जाता है, इन पे फोकस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। सो अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में दो तरीके इसको बाइफर्केट करने के, पहली बात कि किस तरीके से, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग, और दूसरा कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तरीके हैं, प्लीज़ ध्यान से समझना कि अगर मैं कन्वेंशनल वे की बात करूँ तो कन्वेंशनल वे थी क्लासरूम वाली, ठीक है, क्लासरूम वाली। और अब अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूँ तो नॉन कन्वेंशनल में हो गया जैसे कि MOOC ले लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आपको जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं इंस्टीट्यूट्स की, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की भी चलती हैं, तो वो सब आपका नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग हो गया। अब कन्वेंशनल लर्निंग का कोर्सेज के अंदर क्या आएंगे, कन्वेंशनल कोर्सेज में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्या बताया मैंने, वही ट्रेडिशनल कोर्सेज जो बताए हैं, बीए, बीकॉम, मेडिकल, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह, ये रहा, ये कन्वेंशनल है ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल एंड ऑल, तो ये कन्वेंशनल में आ गए। और फिर नॉन कन्वेंशनल में कौन से आ गए, नॉन कन्वेंशनल में कुछ अलग तरीके के कोर्सेज आ गए, जैसे कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग सीखनी है, ठीक है, तो ये सब तरीके के कोर्सेज कहाँ आएंगे, नॉन कन्वेंशनल में आएंगे। तो ये दो तरीके हैं इनको समझने के, ठीक है। अच्छा सो ये इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ से। अच्छा पेपर टू वाला है, थोड़ा सा पेपर टू के वीडियो जो है उसके नीचे कमेंट मारो, तो जो मुझे लगेगा ज़्यादा इश्यू आ रहा है वो वाले सारे टॉपिक मैं लेकर आऊँगी आज, ठीक है। अभी पेपर वन पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए सिर्फ कि जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट हो गया, होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट हो गया, अब इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोर्सेज के नाम समझ लो, जैसे कि मास कम्युनिकेशन, अब इसमें पेपर में कैसे आ सकता है एग्जाम में, आपको जैसे पूछे कि वेदास की स्टडी करने में किस में आता है, तो वो ओरिएंटल में आता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि बीए बीकॉम वाले कोर्सेज किस में आते हैं, तो वो लोग कन्वेंशनल में आते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपको पूछे कि आगे किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो वो कौन से में आएंगे, वो है ना नॉन कन्वेंशनल में आएंगे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ से, इतना टेक्निकल मुझे लगता है वो जाएंगे नहीं, बट फिर भी मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे दिए कि इंस्टीट्यूट के क्या क्या नाम है, आर्ट एंड डिज़ाइन सीखना है, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना है। आपको पता है जो आपके टीवी न्यूज़ चैनल भी आते हैं वो लोग भी ये सब पढ़ाते हैं। अच्छा सो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, गेरोंटोलॉजी। गेरोंटोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये ओल्ड पीपल की स्टडी होती है। सबसे पहली बात चाइल्ड की, बच्चों की स्टडी के बारे में कैसे बोलते हैं कि उनको कैसे टीच किया जाता है, तो वो पैडागोजी आता है, ठीक है, वो क्या होता है पैडागोजी। एडल्ट के लिए क्या होता है, एडल्ट के लिए होता है एंड्रागोजी। और हाँ सेल्फ लर्निंग के लिए क्या होता है, यूटागोजी। और उसके बाद ओल्ड लोगों के लिए क्या होता है, गेरोंटोलॉजी, ठीक है, गेरोंटोलॉजी। सो ये सब देख लो।
ओल्ड लोगों की स्टडी होती है, फिर गांधीयन थॉट्स भी अगर किसी ने समझने, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर थॉट्स वगैरह नहीं सीखोगे, बस ये चीज़ है कि कुछ अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जिसको करके स्टूडेंट एकदम से कुछ करने के लायक बन जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि कारपेंट, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी, पिछले एग्जाम में आया था आपको बार, BAR, बार किस से रिलेटेड है, बार काउंसिल किस से रिलेटेड है, वो है लॉ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे लॉ से रिलेटेड है बार काउंसिल, और ऐसे ही VCI किस से रिलेटेड है, ये है एनिमल्स की स्टडी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनकी स्टडी के लिए होता है ये प्रॉपर। वेटरिनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी आप समझ लो कि ये कब आई थी, 1984 में आई थी, बस, और ये 1999 में आई थी। अच्छा, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये कुछ ऐसे नाम होते हैं जो थोड़े से अलग है, इसके बारे में भी पता चल जाए आपको कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आती है और एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल के लिए होती है। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी देख लेना। अच्छा, सो हमारे जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर डेवलपमेंट है, उसके यूनियन मिनिस्टर चेंज हो गए, सबको पता है, गवर्नमेंट चेंज हुई तो मिनिस्टर भी चेंज होंगे, तो अब कौन आ गया, रमेश पोखरियाल, और उसके अलावा ढोटरे संजय श्यामराव, ये कौन है, स्टेट लेवल के, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये आपके मिनिस्टर्स हैं न्यू वाले, मैंने आपको फोटो दिखा दी ताकि याद रहे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं मेरे को पता है मैं टॉपिक्स अलग अलग तरीके से करा रही हूँ बीच में, बट एंड टाइम है, हो सकता है आज वाले स्टूडेंट को भी हेल्प कर जाए, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है जल्दी से करा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जो मीथेन है, मीथेन सबसे ज़्यादा हम, ये कुछ गैसेज होती है, कौन सी गैसेज है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में, वॉल्यूम मतलब मात्रा में, कौन सी वाली गैस होती है हमारे यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी होती है उसमें से, ये मीथेन। लेकिन 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 सबसे ज़्यादा समय तक एटमॉस्फेयर में रहती कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा रहती है, और मीथेन एटमॉस्फेयर में सबसे कम रहती है, यानी कि अगर ये मीथेन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो एटमॉस्फेयर में से गायब भी हो जाती है। ठीक है, परसिस्टेंट नहीं है, वो सिर्फ 12 साल तक रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड 114 ईयर्स तक रहती है, और वो धीरे धीरे रिमूव होती है एटमॉस्फेयर में से। ठीक है, धीरे धीरे रिमूव होती है नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे जल्दी रिमूव कौन सी हो जाती है, वो आप समझ लो मीथेन, उससे कम नाइट्रस ऑक्साइड, उससे कम का मतलब उससे ज़्यादा सालों तक कौन सी रहती है, 200 सालों तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। समझ आ गया पॉइंट, सबसे कम समय तो हाँ मीथेन रहती है, और सबसे ज्यादा कौन सी है हमारे यहाँ पर वॉल्यूम में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है। अच्छा चलो, फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो मैं रिवीजन वाला कोर्स है सबसे पहला वाला, उसके अंदर मैं लेसन डाल रही हूँ, आज भी बहुत सारे डालूंगी। कम्युनिटी टैब में से देखते रहो, जो भी मैं लेसन डाल रही हूँ वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और अगर कोई वीडियो मेरी बाद में देखेगा, दिसंबर के बैच के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, तो वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नव क्लासेस में रेफरल कोड है, इससे 10% डिस्काउंट मिलता है। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। ठीक है, आज प्रूव करने का टाइम आ गया आपका, ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और पेपर बिल्कुल ध्यान से करना सब। सो फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक करना, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है इसको प्लीज़ दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ऑल द बेस्ट, और सबने मेरे साथ शेयर करना है कि पेपर कैसा आया था, आप मेरी ईमेल आईडी में लिख सकते हो। ठीक है, सो ताकि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकूं, और अगर आपको लगता है कि आपको बात करनी है देन अपना फ़ोन नंबर साथ में लिख सकते हो, वैसे ज़्यादातर मैं रिप्लाई वहां पर कर देती हूं, ठीक है, ईमेल आईडी में। सो थैंक यू, सबने बताना पेपर कैसा हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए, और आप अच्छे से पेपर करके आना। ठीक है, ओके, काम माइंड से करना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर ही तो है, निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू।